फाइनली दोस्तों रेस फ्रेंचाइज के चौथे पार्ट रेस 4 पर बड़ी अपडेट बाहर आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से रेस 4 काफी ज्यादा सुर्खियों में आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, अब आपको बता दें कि रेस 4 में कौन अंदर हुआ है और कौन बाहर हुआ है, इसको लेकर भी बात करने वाला है। तो प्लीज वीडियो में आखिर तक बने रहे। आपको बता दें कि रेस 4 इस समय काफी ज्यादा चर्चाओं में बनी हुई है। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि दर्शक इस मूवी का काफी ज्यादा वेट करें, क्योंकि दोस्तों रेस फ्रेंचाइज के पिछले तीनों ही पार्ट रेस, रेस 2 और रेस 3 ऑडियंस को काफी ज्यादा पसंद आए थे। वहीं आपको बता दें कि रेस और रेस 2 में सैफ अली खान ने लीड रोल किया था, वहीं रेस 3 में सलमान खान को लीड रोल मिला था। वहीं आपको बता दें कि इसी बीच ऑडियंस ने रेस 3 में सैफ अली खान को काफी ज्यादा मिस किया था, और दोस्तों अब ऑडियंस चाहते हैं कि रेस 4 में कौन होने वाला है, सैफ अली खान या फिर सलमान खान एक बार फिर जाने वाला है। तो आपको बता दें कि फिल्म के प्रोड्यूसर रमेश तौरानी ने कहा कि रेस 4 की जो स्क्रिप्ट है वो पूरी हो चुकी है और हम जल्दी इस पर काम करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने इतना बड़ा अपडेट दे दिया। वहीं आपको बता दें कि अब खबरों की माने तो बताया जा रहा है कि रेस 4 में सलमान खान के साथ साथ सैफ अली खान भी होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ये खबर पूरे इंटरनेट पर काफ़ी ज़्यादा सुर्खियाँ बटोर रही है, और दोस्तों इस खबर में काफ़ी ज़्यादा सच्चाई भी लग रही है। जी हाँ दोस्तों, मेकर्स की ओर से अभी इसको लेकर कोई भी अपडेट बाहर नहीं आया कि इसमें सैफ अली खान होने वाले हैं या फिर सलमान खान। वैसे आपको बता दें कि अगर इस मूवी में सलमान खान के साथ साथ सैफ अली खान भी हो जाता है तो दोस्तों थिएटर एक बार फिर से गूंजने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, रेस फ्रेंचाइज को जो कि सभी ने काफ़ी पसंद किया, और दोस्तों रेस 4 को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ये मूवी काफ़ी बड़ी रहने वाली है और काफ़ी हाई बजट में बनने वाली है, और इस मूवी को काफ़ी बड़े लेवल पर शूट किया जाएगा। वैसे आपको बता दें कि इस मूवी की जो शूटिंग वगैरह है वो हमें 2024 के मिड में शुरू होती दिख सकती है। वैसे आप लोग रेस 4 को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हो, और आप लोग इस मूवी में सलमान खान को देखना चाहते हो फिर सैफ अली खान को, प्लीज़ हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी अपडेट जानने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल निखिल आर्यन को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।